मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो लास्ट चीज़ है जो हमें स्टडी करनी है वो है हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया की जब भी हम बात करते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो उसमें आता है हमारा पेनिस। पेनिस हमारा वो ऑर्गन है जो कि क्या करता है, जो कि स्पर्म को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। देखो ये दोनों हैं हमारी टेस्टिस, टेस्टिस में बनते हैं स्पर्म। अब स्पर्म जो ट्रांसफ़र होता है वो किसके थ्रू होता है, वो एक ऑर्गन के थ्रू होता है जिसका नाम होता है पेनिस। तो पेनिस का स्ट्रक्चर कुछ हमारा इस तरह का होता है, पेनिस का स्ट्रक्चर कुछ हमारा इस तरह का होता है। तो ये हमारा क्या है, पेनिस। तो आज हम पेनिस के बारे में बात करेंगे कि पेनिस का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह होता है। अब आप जो ऊपर की तरफ ये देख रहे हो, ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, राउंडेड बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, स्वेलिंग स्ट्रक्चर है, इसको ऊपर से क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ग्लैंड्स पेनिस। क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स पेनिस। और ये जो ग्लैंड्स पेनिस है इसी में ही नर्व एंडिंग सबसे ज़्यादा मौजूद होती है। तो जो सेंसेशन होती है वो इस ग्लैंड्स पेनिस पर सबसे ज़्यादा होती है, मतलब कि अगर इस पर कोई हल्का सा टच भी होगा तो आपको बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि ग्लैंड्स पेनिस पे नर्व एंडिंग्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। अब जो ग्लैंड्स पेनिस होता है नॉर्मली हमारा क्या होता है, कवर होता है एक स्किन से, बाहर की तरफ एक स्किन होती है जो इसको कवर करके रखती है ग्लैंड्स पेनिस को। और इस स्किन को हम क्या बोलते हैं, इस स्किन को बोलते हैं हम फोर स्किन। क्या बोलते हैं, फोर स्किन, फोर स्किन बोल सकते हो या फिर प्रिप्यूस बोल सकते हो, जो कि क्या करती है, ग्लैंड्स पेनिस को कवर करने का काम करती है। अब अगर हम अंदर से बात करें तो अंदर से ये जो अब आपको इलोंगेटेड पार्ट दिख रहा है, ये पूरा इलोंगेटेड पार्ट, ग्लैंड्स पेनिस को छोड़ दें तो इलोंगेटेड पार्ट, इसको हम शाफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शाफ्ट। अब ये जो शाफ्ट होती है ये किसकी बनी होती है, इसके अंदर तीन टिश्यूज़ होते हैं। कितने टिश्यू, एक दो तीन। देखो एक टिश्यू तो ये हो गया पूरा, एक टिश्यू ये हो गया बीच में, एक टिश्यू ये हो गया, तो तीन टिश्यू का बना होता है ये शाफ्ट। ठीक है, इनमें से दो टिश्यू का नाम क्या होता है, दो का तो नाम होता है कॉर्पस कैवरनोसा, कॉर्पस कैवरनोसा। और जो मिडल टिश्यू होता है, जो मिडल वाला होता है, उसका नाम होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये जो बीच वाला टिश्यू होता है इसी में क्या होता है, इसी में यूरेथ्रा होती है हमारी, इसी में यूरेथ्रा होती है भाई, जिसके थ्रू यूरिन निकलता है, जिसके थ्रू यूरिन ट्रांसफर करता है, या जिसके थ्रू स्पर्म्स भी ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो इस बीच वाली में ही हमारी यूरेथ्रा मौजूद होती है। अब आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, जो तीनों टिश्यू होते हैं कैसे होते हैं, कॉर्पस कैवरनोसा, ये दो साइड के कॉर्पस कैवरनोसा और बीच का कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये तीनों के तीनों टिश्यू क्या करवाते हैं, ये पेनिस को इरेक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। क्या करने में, पेनिस को इरेक्ट करने में। अगर देखेंगे तो दो वर्ड हैं, एक वर्ड है इरेक्शन और दूसरा वर्ड है इजैक्यूलेशन, इरेक्शन और इजैक्यूलेशन। दोस्तों इरेक्शन का मतलब होता है इरेक्ट होना, इरेक्शन का मतलब इरेक्ट होना यानी कि सीधा होना। जैसे आप समझो कि मेरी ये फिंगर है कुछ इस तरीके से है, तो अभी ये इरेक्ट नहीं है, इरेक्ट कब होगी, जब ये फिंगर मेरी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए इस तरीके से। तो पेनिस को इरेक्ट करवाने में यानी बिल्कुल स्ट्रेट करवाने में इन तीनों टिश्यूज़ का हाथ होता है, कॉर्पस कैवरनोसा, और दो कॉर्पस कैवरनोसा होते हैं दोनों साइड के, और एक बीच वाला कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, तो इरेक्शन का मतलब क्या है, स्ट्रेट होना, स्ट्रेट होना, या फिर कह सकते हैं हम सेक्सुअली एक्टिव होना, सेक्सुअली एक्टिव होना। वहीं इजैक्युलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ स्पर्म, कि भाई जो पेनिस होगा वो क्या करेगा, स्पर्म को रिलीज कर देगा, पेनिस स्पर्म को रिलीज कर देगा, उसको बोलते हैं हम इजैक्युलेशन, रिलीज ऑफ स्पर्म, उसको बोलते हैं हम इजैक्युलेशन। अब आप डायग्राम पे देख सकते हैं इरेक्शन को, आप डायग्राम पे बहुत अच्छे से समझेंगे कि इरेक्शन क्या होता है। देखो ये डायग्राम है, ये एक पेनिस है जो कि भाई इरेक्ट नहीं है, तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल इसी तरीके से नॉर्मली एक नॉर्मल पोजीशन में है। ठीक है, अब अगर ये पेनिस इरेक्ट हो जाता है तो किस तरह होगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। पेनिस जब इरेक्ट होता है तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, अब ये स्ट्रेट दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पेनिस क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया। अब इसमें दो किसका रोल होता है स्ट्रेट करवाने में, कॉर्पस कैवरनोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, इन टिश्यूज़ का मेन रोल होता है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको ग्लैंड्स पेनिस बोलते हैं,
ठीक है। तो ये थी बात हमारी एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में।